नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। भोगपुर की चीनी मिल में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने पहुंचकर पाया काबू। जालंधर के अड्डा होशियारपुर फाटक के नजदीक स्थित प्राचीन शिव मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम, गल्ला तोड़कर चढ़ावा व डीवीआर चोरी कर हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। भोगपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चीनी मिल में भीषण आग लग गई, तो वहीं आग लगने से कर्मियों और इलाकावासियों में हड़कंप मच गया। कर्मियों ने तुरंत घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना में मिल के मालिक को काफी नुकसान हुआ है। इस घटना की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में आसमान में धुएं का काला गुब्बार होने से आसमान काला हो गया। आग की लपटें दूर दूर से दिखाई दे रही थी। गौरतलब रहे कि आग पर काबू पाने के लिए आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां लगी थी। हादसे में सामान बुरी तरह से जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। चैत्र माह के पावन नवरात्रों के दौरान थाना डिवीजन नंबर 3 के अंतर्गत आते अड्डा होशियारपुर फाटक के पास स्थित माई गंगागिरी योगीराज आश्रम प्राचीन शिव मंदिर में चोरों की ओर से शिवालय में चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। तो वहीं चोरी संबंधी जानकारी देते हुए पंडित अवनीश कुमार ने बताया कि सुबह जब वे मंदिर खोलने के लिए उठे तो देखा कि कार्यालय का ताला टूटा हुआ था और जहाँ से डीवीआर भी गायब था। जिसके बाद जब उन्होंने मंदिर खोला तो देखा कि शिवालय का गल्ला टूटा हुआ था, जिसमें से चढ़ावा गायब था। गौरतलब रहे कि चोर मंदिर की ग्रिल तोड़कर अंदर दाखिल हुए व शिवालय के गल्ले से नकदी चुरा कर ले गए। तो वहीं इस संबंध में मंदिर कमेटी व पुलिस को सूचना दे दी गई। उन्होंने बताया कि पास स्थित रेलवे लाइनों पर नशेड़ी बैठे रहते हैं, जिस संबंध में पुलिस को पहले भी कई बार सूचित कर कार्रवाई के लिए कहा जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चोरी आधी रात को हुई थी और हम जब मंदिर खोले अपना 5:15 पे, तो यहाँ पर देखा तो पहले दफ्तर का ताला टूटा हुआ, तो फिर दफ्तर का ताला टूटा तो हमारा दिल तो धक हो गया। तो उसके बाद हमने जब मंदिर का ताला खोला तो उसमें देखा तो अंदर भगवान शिव मंदिर का ताला वो गुल्ला का तोड़ा है और सरिये से उस पर वारदात किया हुआ था। तो चोर अंदर दाखिल कैसे हो कुछ अभी कुछ इसका ही पता नहीं लग रहा है। हमने पुलिस को थाना पर कंप्लेंट किया हुआ है। आधी रात को हम वैसे तो हमारा कैमरा भी इन्होंने तोड़ के उसका डीवीआर चुरा के ले गए थे, पर जब हमने 12 बजे अपना कैमरा देखा था तब तक तो मंदिर में कोई ऐसी वारदात नहीं थी, पर जब हम मंदिर में 5 बजे मंदिर खुले तब इसकी वारदात हमको पता लगी और जब कैमरा खंगालने लगे तो उसका डीवीआर ही उन्होंने चोरी करके क्या गुल्लक ले गए। कुछ किस मंदिर के गुल्लक ले गए? ये शिव मंदिर का गुल्लक लेके गए। सरिया गिरा हुआ है, जब हमने शिव मंदिर खोला तो वहाँ पर सरिया गिरा, आगे पीछे सामान बिखरा हुआ पड़ा था, तो हमको थोड़ा शक सा नजर हुआ, तो जब हम अपना गुल्लक देखे तो गुल्लक को उसका ताला वगैरह तोड़ के उन्होंने। जालंधर के टैगोर नगर के मकान नंबर 312 में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब घर में स्कूल यूनिफॉर्म बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। तो वहीं आग लगने का कारण बताते हुए मालिक ने बताया कि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म बनाने की फैक्ट्री है और कारीगर दोपहर के समय खाना खाने गए हुए थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान अचानक पीछे से कमरे में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं उन्होंने बताया कि मौके पर उन्होंने दमकल विभाग को सूचित किया, जिन्होंने मौके पर आग पर काबू पाया। गौरतलब रहे कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान काफी हुआ है। अमृतसर की संधू कॉलोनी में दो पक्षों में एक लड़की के चक्कर में एक नौजवान ने दूसरे नौजवान को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उक्त नौजवान ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ मारपीट में दहशत फैला दी, जिसके चलते मार्केट के दुकानदारों की ओर से इसकी शिकायत पुलिस में दी गई और इन गुंडा तत्वों पर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएचओ कपिल कौशल ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि मार्केट में दो नौजवान जो कि आपस में रिश्तेदार हैं, उनमें लड़की को लेकर आपसी तकरार हुई और एक नौजवान द्वारा दूसरे नौजवान को चांटा मारने पर यह मामला बढ़ गया, जिसके बाद दूसरा नौजवान रंजिशन कुछ साथियों को दातर और कृपानों के साथ लैस होकर उक्त नौजवान पर हमला करने आया था, लेकिन उक्त नौजवान वहां से
जा चुका था, तो वहीं ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मार्केट के दुकानदारों की ओर से उक्त नौजवानों पर कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की पहचान की जा रही है और जल्द ही बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज संधु कलोनी के बाहर कोई मकैनिक दी दुकाना ने, उत्थे कोई दो मुंडे आपस में काम करते ही रिश्तेदार सी, लड़की तो लैके इन्हों का कोई झगड़ा होया सी। पहले एक मुंडे ने दूजे मुंडे के कि चपेड़ा चपूड़ा मरवाइया, मुड़ के फिर दूसरा बंदा भी जोड़ा ही वह बंदे बुंदे लैके आ गया, पर जिद ना झगड़ा होया उतों जा चुका सी। तो मार्केट वाले ने एक दरखास्त दी है भी कृपा दातर लैके मुंडे इतने घूमते रहे हैं, उन्होंने वेरीफाई कर रहे हैं। दोनों पार्टियां ने दरखास्त जीडिया देती वा, इन्हों लिया के पुछगिछ की जाएगी। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री नेहा धूपिया सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने गुरु घर में माथा टेक सरबत के भले की अरदास की, तो वहीं वाहेगुरु जी का शुक्राना भी अदा किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी वे गुरु नगरी में आती हैं या किसी काम के सिलसिले में यहां आती हैं तो गुरु घर में माथा टेकने के लिए ज़रूर जाती हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उनकी नई फिल्में आ रही हैं जो बड़े पर्दे पर रिलीज होंगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा लगता है जितनी बार हम यहाँ आते हैं, एंड अभी तो हम अंदर जाने वाले हैं टू सीक आवर ब्लेसिंग्स, सो वी फील वेरी ब्लेस्ड कि हमको जब यहाँ आने के एक तो मौके मिलते हैं और साथ में हमको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि कभी कभी काम हमें यहाँ ले आता है तो दिल बड़ा खुश होता है यहाँ। जालंधर के मकसूदा में पंजाब भाजपा के लोकसभा चुनाव के कार्यालय में हवन और पाठ के बाद इसका उद्घाटन किया गया, तो वहीं इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया, जालंधर से उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू, वरिष्ठ नेता राकेश राठौर, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, जालंधर वेस्ट से पूर्व विधायक शीतल अंगुराल व अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं उन्होंने कहा कि जालंधर केंद्र में पड़ता है, इस कारण जालंधर में पंजाब का मुख्य कार्यालय रखा गया। भाजपा का प्रचार प्रसार अब हर शहर और गांव में पहुंच रहा है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि भाजपा 13 सीटों पर कमल खिलाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में मां के पावन नवरात्रों के अवसर पर हर शाम मां के नाम भजन संध्या का आयोजन मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से किया जा रहा है, जिसकी पहली भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक संजय सावरिया एंड पार्टी अमृतसर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने मां भगवती की मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, रमन शर्मा और सीमा गल्होत्रा ने भजन गायक संजय सावरिया को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया। इस अवसर पर रमेश मेहता, भूषण कोहली, दमन मेहता, पवन मेहता, राजू शर्मा, अरुण वर्मा, सुनील अरोड़ा, मनीष शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। तो एक बार सभी की आवाज दोनों हाथ कर करके जोर से हो राधा 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 बोलते जय जय, अभी आवाज नहीं, जय जय, अभी भी आवाज नहीं, जय जय। तो मुझे आज लग रहा है देवी तला मंदिर बरसाना धाम बन गया है। दोनों हाथ करके राधा 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 राधा
चेहरे पे वो जादू है। तेरे चेहरे आप बोलिए जरा आज क्या जादू है, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ खड़े हो, किसका जादू है? ये देवी तला मैया का जादू है, लगाइए दोनों हाथ कर करके। और तेरे चेहरे पे वो जादू है। आया किन्ने दिन बीत गए, और उसी राधा नु मनाया किन्ने दिन बीत गए, उसी राधा नु मनाया किन्ने दिन बीत गए, उसी राधा नु मनाया किन्ने दिन बीत गए, और उसी राधा नु मनाया किन्ने दिन बीत गए। तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले। माँ त्रिपुरमालिनी जी की 12वीं वार्षिक चौकी आश्रम भक्ति भवन गोपालनगर जालंधर में बड़ी ही श्रद्धा भाव से करवाई गई, जिसमें महंत ग्रोवर एंड पार्टी जालंधर वालों और विधायक रमन अरोड़ा ने माँ त्रिपुरमालिनी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर के मुख्य सेवादार हेमराज की ओर से आई हुई भजन मंडलियों और विधायक रमन अरोड़ा और पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी को मां की चुनरी एवं स्मृति चिन्ह देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जागरण करवाया जा रहा कि दस्या बहु हेमराज जी ने कि जदों का मेला उत्थे शुरू होया उदों दी असी इत्थे महाराणी की चौंकी शुरू करवाई है। तो मैं उस महाराणी के चरणों के यही अरदास करता कि साडा आपसी प्यार आपसी सहयोग आपसी भाईचारा इस तरह बनया रहना चाहिए। असी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहिए और इस तरह महामाई जी का और हेमराज जी का जिन्ना प्यार जिन्ना सत्कार ये देंगे है जो भी मौका मिले इन्होंने हमेशा ही सानू आशीर्वाद दिता है। माँ बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक हुशियारपुर रोड जालंधर में नवरात्रों के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज ने आए हुए सभी यजमानों से विधिवत पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि माँ के पावन नवरात्रों के शुभ अवसर पर माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी में 9 दिन तक माँ के अलग अलग 9 स्वरूपों की प्रतिदिन विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके चलते दूसरे नवरात्रि के अवसर पर माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना की गई है। इस अवसर पर श्रीकंठ चर्च राकेश प्रभाकर समीर कपूर एडवोकेट राजकुमार सरोज वाला दिशांत शर्मा सुभाष डोगरा विकी निर्मल सिंह सौरभ अरोड़ा जगदीश वर्मा भी मौजूद रहे।
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। नवरात्रों के उपलक्ष्य में हर शाम 9 देवियों के नाम नवरात्रि महोत्सव 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रात्रि 8 से 10:30 बजे तक श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि महोत्सव के पहले दिन की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई, जिसके पहले दिन करवाई गई भजन संध्या की शुरुआत गायक चीनू सहगल एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद गायक चीनू सहगल ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि हर शाम 9 देवियों के नाम नवरात्रि महोत्सव में पंजाब भर से आई प्रसिद्ध भजन मंडलियां मां भगवती की महिमा का गुणगान करेंगी। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल को साय 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक चल रही भजन संध्या में 31,000 माँ की पावन ज्योति भक्तों द्वारा प्रज्वलित की जाएंगी और दुर्गा स्तुति के पाठ रोजाना किए जाएंगे। इस मौके पर महेंद्र प्रताप, अनुराग अग्रवाल, विजय गुप्ता, नरगिस पत्रा, अनुराग बत्रा, हिमांशु बैम्बी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। असी तेरे दर से मंगते भी हाँ, भिखारी भी हाँ और मोर भी हाँ। जे मैं हुंदा ना दिए मोर तेरे सनातन धर्म रामा मंदिर जालंधर कैंट की ओर से मेहंदीपुर बालाजी की साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व पार्षद सुनीता रिंकू ने बतौर मुख्य मेहमान के रूप में शामिल होकर श्री मेहंदीपुर बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर नरेंद्र कुमार, रविकांत, मीनाक्षी शर्मा ने बालाजी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया, तो वहीं भजन संध्या के अंत में बालाजी की आरती की गई और बाद में मंदिर समिति की ओर से भंडारे का आयोजन भी किया गया। श्री रामा मंदिर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष श्री हरविंदर सिंह पप्पू, अध्यक्ष कमल चौहान ने आए हुए भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एडवोकेट मनीषा जैन, रितिका हेजल, प्रेरणा, गीतांजलि, ममता, किरण, क्षमा, गीतू, उमा, लक्ष्य, प्रिया, बब्बी, दीपक, प्रतीक, शिंदा शामिल रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
जो कि अज मेहंदीपुर बाला जी की हनुमान जी की सारे ने गुणगान किया है और कीर्तन करके सारे ने अपने अपना जो कि आशीर्वाद लिया असी अपने वालों अपने रामा मंदिर वालों सारे इतने आते लख लख बधाई देने हैं। आज बालाजी का संगीर्तन जो कि पांचवा संगीर्तन है जो 3 मार्च से शुरू हुआ था बालाजी की कृपा से आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया जिसमें सभी भक्तों ने बड़े उल्लास के साथ हनुमान जी का संकीर्तन किया और सबको मंत्रमुग्ध किया। कहा जाता है तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना कि महाराज आपका मंत्र सबको भाए और सबको आप राजा के समान करें सभी सुखी रहें हमारा भारत वर्ष तरक्की करे और विश्व गुरु बने यही आपके श्री चरणों में अरदास करते हैं सबका भला हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हेलो जय श्री राम जय श्री राम। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर में बालाजी मेहंदीपुर बालाजी और 5वां कीर्तन किया जा रहा है। आज 5वां कीर्तन है जो कि 3 तारीख को मूर्ति स्थापना हुई थी। ऐसे ही चलते रहेंगे कीर्तन और संगत आती रहेगी। महाराज जी आशीर्वाद देते रहेंगे आशीर्वाद हम लेते रहेंगे। हम अपने शीतल बेद जी का कोई धन्यवाद करते ना। जय श्री राम जय श्री भरत। जैसा कि आप सभी भक्तजनों को पता है कि श्री सनातन धर्म रामा मंदिर में बालाजी की चौकी करते हैं तो सब भक्त भजन कीर्तन बालाजी को मोह भजन सुनाकर भजन कीर्तन करते हैं और भजन कीर्तन के उपरांत श्री प्रबंधक कमेटी एक छोटा सा भंडारा भी करती है और बालाजी की ऐसी कृपा रही तो ये दिन रात भंडारे यहाँ चलते रहे। बालाजी का कीर्तन बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे किया जाता है। सभी भक्त आते हैं और गुणगान करते हैं सभी अपनी अपनी इच्छाएं यहाँ रखते हैं और सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जय श्री बालाजी। अतुलित बुद्धाम हेम सलाहम धनुजन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणम धीसम रक्त प्रिय भक्तम वाच जातम नमामी। बालाजी महाराज के चरणों में हमारा साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम। जिनका कीर्तन दरबार श्री सनातन धर्म राम मंदिर में चल रहा है इसके लिए आप सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जो इस गुणगान में आ रहे हैं बालाजी के संकीर्तन में आ रहे हैं और अपनी वाणी के द्वारा भजन गाकर और सुनकर आनंद ले रहे हैं बालाजी महाराज आप सभी के ऊपर कृपा बरसाएं। जयकारा नमो देवी दा बोल सच्चे दरबार अज श्री सनातन धर्म रामा मंदिर के अंदर मेहंदीपुर बालाजी का आशीर्वाद लैन लई साडे भाभी जी सुनीता रिंकू साडे भाई साहब वड्डे जो कि इतों बीजेपी के कैंडीडेट है वो साडे वड्डे भरा है घट्टो घट साढ़े 40 साल के उन्होंने रिलेशन है। सानू बड़ी खुशी हुई पर बहुत बिजी इन्हों का स्कूल है लेकिन फिर भी मैं बेनती की भाभी जी को कि आके मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करो इतों आशीर्वाद लो। यही असी बेनती पूरे कैंट में करते हैं कि इन्हों वो तो जो कि सहयोग दे के असी भाई को जरा कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। जय श्री राम श्री सनातन धर्म रामा मंदिर प्रबंधक सभा चेयरमैन हरिंदर सिंह बब्बू प्रधान कमल चौहान रजिंद्र कुमार राजू जी पुजारी जी साढ़े असं एन के साहब इन्हों सारे धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया बालाजी का। हर मंगलवार एक कीर्तन करते हैं असी अज मेन जो चीफ गेस्ट जैसे आदरीए रिंकू जी की वाइफ भाभी जी बारे रामा मंदिर में पहुंचे इनका हार्दिक स्वागत किया गया और इनको बालाजी मेहंदीपुर बालाजी का आशीर्वाद भी मिला। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे मोदी जी पे बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं बरसों से काम कर रही हूँ और सुनीता जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि वो हमारे साथ आई हैं और हम बढ़ चढ़ कर उनका साथ देंगे और आने वाले इलेक्शंस में दिन रात उनके साथ करेंगे। मोदी जी का हाथ ये मजबूत करेंगे और इनके हाथ हम मजबूत करेंगे और हम पर बालाजी की कृपा होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बालाजी महाराज के चरणों में अरदास देंगे हाथ जोड़कर
कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही अपने बच्चों पर, अपने संतों पर ऐसे ही बनाए रखें और सबके घर में खुशियाँ मिले रहे, सब तंदुरुस्त रहे। और इसके साथ ही मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ श्री सनातन धर्म रामा मंदिर कैंट का और मंदिर के प्रधान कमल चौहान जी का और मेरे बड़े ही सत्कारियों मेरे भी हरमिंदर पप्पू जी का, उनकी बेटी रितिका और मनीषा जैन जी का, सबका, क्योंकि सब मेरे लिए बड़े ही सत्कारियों के हैं। उनका दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से और एमपी सुशील कुमार जी की तरफ से धन्यवाद, जिन्होंने इतने मान और सत्कार के साथ हमें यहाँ निमंत्रण दिया और हम बालाजी का आशीर्वाद लेने मैं यहाँ अपने परिवार की तरफ से हाजिरी लगाने आई हूँ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा के संबंध में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपर्क अभियान टीम के अश्विनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा ने श्री सत्यनारायण मंदिर एसटी कॉलेज रोड के प्रधान मलराज गुप्ता, भारत भूषण अग्रवाल, चरणजीत नाथ कोशर, प्रेम विज, पंडित गणेश दास, शिवराम शर्मा, बलराज गुप्ता, राकेश खिलन, पंडित राकेश कश्यप एवं पंडित कमलेश शास्त्री, श्री सर्व साई सेवा समिति मोहल्ला गोविंदगढ़ के सुरेंद्र जग्गी एवं पंडित अनिल शर्मा, श्री श्री 108 महाराज महेश्वरी मंदिर मोहल्ला गोविंदगढ़ के पंडित राम स्वार्थ एवं के टांगरी, श्री उषा माता मंदिर मोहल्ला गोविंदगढ़ के नीतू बाला, कृष्णा देवी, सुधीर कुमार, शुभम एवं रोशन, श्री राधेश्याम मंदिर मोहल्ला गोविंदगढ़ की महंत दमयंती दास, वरुण शर्मा एवं पंडित लवकुश तिवारी से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि ये असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित वे इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। श्री श्री उपचार माता महर्षि देवी गोविंदगढ़ कुटिया मंदिर की ओर से श्री देवी तलाव पीठ 16 को रामनवमी के अवसर पर धूमधाम से झांकी निकालने के लिए चलेंगे। जय श्री राम। श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी जी शोभा यात्रा 16 नू मंगलवार नू कढ रही आ, उस दे विच सहयोग करन लई मंदिर च आए ने। मैं विश्वास जाना कि असं पूरे तन मन के नाल नाल शोभा यात्रा सारे यात्रियों सारे भगतों भी कहोंगे कि सारे श्री सतनारायण मंदिर प्रबंधक कमेटी जी है, जिदा साढ़े बलराज गुप्ता जी ने कहा कि असं जोड़ा है पूरा सहयोग देंगे। सतनारायण मंदिर जोड़ा है, देवी तला मंदिर जोड़ा है, ये समाजी साड़ी समाजिक और आर्थिक स्थिति का स्रोतर है और ये साढ़े पंजवा साढ़े तीर्थों के एक तीर्थ जोड़ा इन्हों ने शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा, ये एक बहुत सराहनीय प्रोग्राम है। वो ये हैगा कि असं सारे मिल के सारे मंदिर कमेटी वालों और सारे महल्ले वालों आप सहयोग दे के शोभा यात्रा के आप शामिल होइए। प्रोग्राम चल रहा है, उसमें सारे संगत जितने भी हैं वो सब बढ़ करके हिस्सा लें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं सुधीर कुमार शर्मा, उषा माता मंदिर गोविंदगढ़ मोहल्ला जो है, जो रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री महादेवी देवी तला मंदिर से जो है शोभा यात्रा जो है निकल रही है, उसमें सभी जो हम जो है बढ़ चढ़ कर जो है शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे और शोभा यात्रा श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जो है सभी जो हैं इस शोभा यात्रा में जो है पहुँच कर श्री रामचंद्र जी की जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय श्री राम। सिद्धपीठ देवी तला मंदिर तो शोभा यात्रा का निमंत्रण देने लिए आए नहीं तो असी मंदिर वालों वध चढ़ के शोभा यात्रा च हिस्सा लवेंगे और महारानी के चरणा च ही प्रार्थना करते हैं कि सारी संगत जुड़े और शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाए।
नीना कुकरेजा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में किया गया। इस मौके पर लोकसभा से सांसद उम्मीदवार सुशील रिंकू, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व मेयर जगदीश राजराजा, शिवनाथ शिब्बू, मनजीत सिंह टीटू, पंडित आदित्य, राधा रानी, पारिवारिक सदस्यों में पति नरेश कुकरेजा, पारस कुकरेजा, कार्तिक महमा, अंकुर, भवनशी, रुद्राक्षी सहित राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय नीना कुकरेजा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। कि हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तो सातवें आठवें महीने से प्रभु का चिंतन करते हैं, विनती करते हैं कि ठाकुर जी मुझे इस नरक की योनि से बाहर निकाल दो तो मैं आपके नाम का सहारा लेकर अपना जीवन उद्धार करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही बाल अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी कहते हैं अरे ये सब कर लो और जो प्रभु का नाम लेना है तो बुढ़ापे में ले लेंगे। अरे भाई बुढ़ापा आता है नहीं आता है, आज 50-55 साल की उम्र में श्रीमती नीना जी चली गई, ये बुढ़ापे का इंतजार कर रही थी। प्यारी सास समझियो, अज असी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भैन जी नीना कुकरेजा जी को अज अंतिम श्रद्धा के रूप में स्मरण करते हुए हैं। हर एक इंसान ने दुनिया में चले जाना है पर इंसान अपनी जीवन यात्रा पूरी करके जाए, जिम्मेवारियां पूरी करके जाए, लंबी उम्र पूरी उम्र भोग के जाए तो कितना कितने परिवार को रिश्तेदार इस गल का हौसला होता है। पर अचानक चले जाना कदे जिंदगी के बहुत सारे काम करने जिम्मेवारियां बाकी सन तो छड़ के चले जाना। मैं समझना कि जितने परिवार के लिए बड़ा दुख आई है उसे सारे रिश्तेदार साढ़े संबंधी और जिन्हें जिन्हें नाल साढ़े भैन जी का निजी प्यार से साढ़े भाई साहब नरेश कुकरेजा जी काला जी उन्होंने जिन्हों के नाल निजी प्यार से ये दुख है जोड़ा बहुत लंबा अरसा सकता है। लाला लक्ष्मी दास जी कुकरेजा हमेशा कहते थे मेरे चार बेटे केवल नरेश, दिनेश और आदित्य भी मेरा बेटा, उनका सहयोग समाज के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, लाला लक्ष्मीदास जी का सबसे ऊपर नाम और उसी तरीके से उनके तीनों बेटों ने भी सुनाया, जिसमें कि सबसे ज्यादा नीना कुकरेजा का ही योगदान है। नीना कुकरेजा का कहना था कि जो जो काम पापा जी करते थे उन किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना, वो हमने जरूर करना है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। भोगपुर की चीनी मिल में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने पहुंचकर पाया काबू। जालंधर के अड्डा होशियारपुर फाटक के नजदीक स्थित प्राचीन शिव मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम, गल्ला तोड़कर चढ़ावा व DVR चोरी कर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।